हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीनूज बुटीक। आज मैं आपको घर में जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है उससे फॉल कैसे लगती है वो मैं बताऊंगी। मेरे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमको ये ज़रूर बताएं किस तरह से हम अपनी घर में फॉल लगा सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगी। जैसे हम धागा डालते हैं अपनी सिलाई के लिए, वो सारा धागा एज इट इज़ डाल दिया। उसके बाद ये जो हमारे रोल्स हैं इनको एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसके अंदर हमने इसको 2 नंबर पर रख लिया है और ये जो हमने नंबर रखा है ई, इस पर हमारी जिगजैग मशीन इसकी डिज़ाइन आती है। ये देखिए, ये जो हमारा सी है, सी में ज़्यादा जिगजैग हो जाएगी, ई में ये वाली जिगजैग आएगी, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। ये हम नीचे की तरफ रखेंगे जो फॉल लगाएंगे, और ये जो सी वाला है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे, उसको भी हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगी। अभी हम इसकी जो ई नंबर लगाया हमने इसके अंदर, उसके लिए नीचे हम फॉल कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये साड़ी हमने इस तरह से रख ली, नीचे का जो बेस है हमने रख लिया, और ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड को हमने मशीन के ऊपर यूँ रख लिया, और यहाँ से 8 इंचेस का गैप देके हमने मशीन को इस तरह से सेट किया है। और फॉल को हमें ये सीधी साइड से, ये रॉन्ग साइड है, ये सीधा साइड है, इसको हमें यहाँ से ज़रा सा फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर सेट कर देना है इस तरह से, और उसके बाद हमें यहाँ पर अपना बूट को रख देना है। साड़ी और फॉल को दोनों को लेबल में रखना है। ये देखिए, अब ये लास्ट आया है, इसको हम इस तरह से और इस तरह से मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे जैसे हमने आगे किया था, ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे और फिर से इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से अभी मैंने आयरन कर दिया है और इसको जो लास्ट था इसका पॉइंट किए, ये हमें इसको मोड़ दिया है। ठीक है, ये फॉल पीछे का है ये, और आगे की तरफ हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से, और हम यहाँ से ही पिनअप्स लगाएंगे, और इसको हम एकदम लेवल में रखेंगे, बिल्कुल भी इसके अंदर झोल नहीं आनी चाहिए, ना कोई सिलबट आनी चाहिए, बस वो इस तरह से ये रख लिया हमने एकदम लेवलिंग करके। अब इसके अंदर हम पिनअप कर देंगे एकदम एक्यूरेट, सीधा होना चाहिए। ये देखिए, सारे में मैंने पिनअप कर लिया है और बिल्कुल झोल नहीं आने दिए, इस तरह से अब हो गया सारा पिनअप। अब हम इसको मशीन, यहाँ से पूरा मशीन को हम लगा देंगे, तो ये हमारी फॉल तैयार हो जाएगी। हम चाहे नीचे से लगाएं या ऊपर से लगाएं, बस इतना ध्यान रखना है इसके अंदर झोल नहीं आ जाए, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल बहुत ईजी है। आप घर पर लगा लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप कभी भी लगा सकते हैं, टाइम दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि 4 दिन बाद या 5 दिन बाद। ये देखिए, अब इसको मैं ऊपर से मशीन लगा देती हूँ। ये देखिए, इसकी फॉल कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल भी झोल नहीं आई है इसके अंदर। इस तरह से ये घर पर जो मशीन होती है उससे हम फॉल लगाते हैं। अब मैं आपको पीको करना सिखाऊंगी इसी मशीन से। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल सफाई आई है इसके अंदर। आप भी अपने घर पर इस तरह से फॉल लगा सकते हैं। अब चलिए हम पीको कर लेते हैं इससे। ये देखिए, ये है रॉन्ग साइड और ये है हमारी राइट साइड।
तो अब हम क्या करेंगे, ये इसका कॉर्नर ले लेंगे जो हमारा रॉन्ग साइड है, इसको हम थोड़ा सा यू राउंड कर लेंगे, हल्का सा गीला करके इसको राउंड कर लेंगे, ये इस तरह से राउंड कर लिया हमने। अब इसको हम जो भी हमारा धागा डला हुआ है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, और इसके अंदर जो जिगजैग था सी नंबर वो उसको मैंने इस पर सेट कर दिया है, और टू नंबर पर मैंने मशीन को किया हुआ है, और इसको हम इस तरह से, इसका एक अलग बूट भी आता है तो आप वो बूट अगर नहीं लगाना चाहें तो ना सही, ऐसे भी बन जाता है ये, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से ये जो हमने राउंड किया है इसको हमने रख दिया इसके नीचे और ये बूट दबा दिया, और अब हम इसको आगे करेंगे, मशीन चलाएंगे इस तरह से और इसको पकड़ के रखेंगे अपने तरीके से। ये देखिए अभी मैं शुरू करती हूँ इसको चलाना, ये देखिए अब हम इसे, अगर आपको और थोड़ा पास पास जिगजैग चाहिए तो आप थोड़ा और कम कर सकते हो। अभी हम इसको यू इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से ये पीको होती चली जाएगी। ये देखिए अभी इस तरह से करके ये जो कंप्लीट हो जाएगा वो कॉर्नर भी हमारा एकदम राउंड में गया है, और ये कॉर्नर आ गया, इसको भी हम राउंड में ही करेंगे, इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे, और ये भी देखिए ये भी राउंड में चला गया इस तरह से, ये राउंड में आ गया। ये हमारी पीको हो गया, ये हम पीको अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक मशीन से, और सादा मशीन भी है पीको, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको सादा वीडियो का भी अगले राउंड में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। ये देखिए अभी इस तरह से करके ये जो कंप्लीट हो जाएगा वो कॉर्नर भी हमारा एकदम राउंड में गया है, और ये कॉर्नर आ गया, इसको भी हम राउंड में ही करेंगे, इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे, और ये भी देखिए ये भी राउंड में चला गया इस तरह से, ये राउंड में आ गया। ये हमारी पीको हो गया, ये हम पीको अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं अपनी इलेक्ट्रिक मशीन से, और सादा मशीन की भी है पीको, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको सादा वीडियो का भी अगले राउंड में बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।